दोस्तों अब आप माने या ना माने, लेकिन इस दुनिया में ऐसी तमाम चीजें मौजूद हैं जिन्हें देखकर पहली नजर में इंसान हैरान हो जाएगा। हालांकि उन सभी चीजों को देखने के लिए आपको इंटरनेट पर अलग अलग सर्च करके घंटों बिताने होंगे, लेकिन जब हम आपके लिए यहाँ मौजूद हैं तो आपको इतनी मेहनत करने की भला क्या जरूरत है। और इसीलिए हमारी आज की शानदार वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसी चीजें लाए हैं जिसे अगर कैमरे में रिकॉर्ड न किया जाता तो शायद ही कोई इस पर बिलीव करता। आई स्मोकिंग एलिफेंट। वैसे तो इंटरनेट पर ऐसे करोड़ों वीडियोस मौजूद हैं जिनमें हम एनिमल को उनके नेचुरल हैबिटेट में देख सकते हैं, और वाकई इस तरह के नज़ारे बहुत प्यारे होते हैं, क्योंकि खतरनाक से खतरनाक जानवर भी कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं जो किसी ने भी सोची नहीं थी। अब जैसे कि इस जायंट एलिफेंट को ही देख लीजिए, अगर आप इस पर अपनी पहली नजर डालेंगे तो इसे देखकर साफ साफ ऐसा लगता है कि ये स्मोकिंग कर रहा है। जी हाँ, एलिफेंट और स्मोकिंग कॉम्बिनेशन थोड़ा अजीब है, और इसी बात की तह तक जाने के लिए वैज्ञानिकों ने इस वीडियो पर रिसर्च करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये पता चला कि ये हाथी स्मोकिंग नहीं कर रहा है बल्कि चारकोल खा रहा है और उसी को खाने में धुआं निकल रहा है। वैसे अगर आपको ना पता हो तो हम आपको बता दें कि चारकोल के कई सारे फायदे होते हैं, जहां ये बॉडी को प्यूरिफाई करता है, और शायद इसीलिए एलिफेंट ऐसा कर रहा था। अनएक्सपेक्टेड गेस्ट। दोस्तों कुछ जानवर जंगलों में ही रहने के लिए बने होते हैं, क्योंकि अगर उन्हें इंसानों के आसपास छोड़ दिया जाए तो वो हर जगह उत्पात मचाकर रख देंगे, लेकिन कई कई बार खाने की तलाश में जंगली जानवर इंसानों के एरिया की तरफ अपना रुख करते हैं। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसमें एक फीमेल बियर अपने दो बच्चों के साथ एक पार्किंग एरिया में चली आई थी। ये फीमेल बियर पास के जंगल में रहती थी जहाँ ये खाने की तलाश में इस जगह आई थी, लेकिन जब ये तीनों बियर कार पार्किंग में खड़े थे तभी एक जर्नलिस्ट अपनी कार लेकर वहाँ से निकलने वाला था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला सामने उसके एक बड़ी सी मादा भालू मौजूद थी, जिसे देखकर उनका बहुत ही भयानक रिएक्शन निकला। और दोस्तों निकलेगा भी क्यों नहीं, अगर आपको अचानक अपने गेट के बाहर भालू खड़ा मिल जाए तो आप भी डरी जाएंगे। चीटिंग एथलीट्स। हर कोई अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ अचीव करना चाहता है, जिसके लिए कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, हालांकि कई लोग शॉर्टकट निकालने के लिए लगे रहते हैं। अब जैसे कि आप चाइना के लोगों को ही देख लीजिए, जब सन 2018 में चाइना के अंदर एक मैराथन ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें कई सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ लोग बिना चीटिंग किए नहीं रह पाते। जी हाँ, वो कुछ लोग और कोई नहीं बल्कि चाइना की इस मैराथन में हिस्सा लेने वाले कुछ पार्टिसिपेंट थे, जिन्होंने बड़ा दिमाग लगाकर आगे जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर मौजूद कैमरे ने उनकी इस हरकत को तुरंत पकड़ लिया। अब जैसे कि आप खुद भी देख सकते हैं कि कुछ लोग राउंड लिए बिना इन पेड़ों के बीच से आकर निकल गए, और इस तरह का शॉर्टकट लेने वाले एक दो नहीं बल्कि 258 लोग थे। अब इन्हें कौन बताएगा कि मैराथन में जीत हार से मतलब नहीं होता, इसमें मतलब होता है अपनी रेस को कंप्लीट करने से। पर जिस हिसाब से इन लोगों ने चीटिंग की है, हमें तो नहीं लगता कि इन्होंने आज तक कोई भी मैराथन कंप्लीट की होगी। इनक्रेडिबल फिशिंग। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर हम चाइना की बात करें तो ये नियत का ही चोर देश है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये न सिर्फ दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी और चीजों को कॉपी करता है बल्कि अपने देश में बनने वाली चीजों को भी ये लोग नहीं छोड़ते। और इसी वजह से चाइना के ही बने फेमस ऐप टिकटॉक का एक चाइनीज वर्जन भी मौजूद है। जी हाँ, ये लोग हमको तो टिकटॉक यूज करवा रहे हैं लेकिन खुद दूसरा ऐप इस्तेमाल करते हैं, और उसी ऐप में कई सारे वीडियोस हर रोज अपलोड होती हैं, जिनमें से एक वीडियो किसी को भी हैरान कर सकती है। बस आप अपनी नजर इस वीडियो पर लगाए रहिए और जानने की कोशिश करिए कि इतने सारे लोग नेट पकड़ के मछली पकड़ने की कोशिश भला कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मछली उछल कर तो इन नेट पर आएगी नहीं, लेकिन फिर जो हमें दिखाई देता है वो हैरान कर देता है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह इतने सारे लोग नेट के लिए यहाँ खड़े थे, लेकिन मछली ने दूसरी तरफ छलांग लगा दी, जिसे देख यहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। हालांकि इसी की नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाता है कि एक फिशरमैन मछली को सक्सेसफुली पकड़ लेता है। अहंग्री रॉबर। दोस्तों जब बात खाने की होती है तो हम में से कोई भी अपनी फेवरेट डिश को मना नहीं कर पाएगा, हालांकि फिर भी हम अपने आप में सेल्फ कंट्रोल करना सीख जाते हैं। लेकिन अब हम आपको जिस चोर से मिलवाने वाले हैं उसके बारे में सुनकर आप पक्का हैरान हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक चोर रात में रेस्टोरेंट के अंदर घुसता है और हाथों में ग्लव्स पहनकर अपने लिए खाना बनाने लगता है। जी हाँ, देखने और सुनने में ये चीज भले ही अजीब लग रही हो, लेकिन ये सच है जिसे उस रेस्टोरेंट के कैमरे ने रिकॉर्ड किया है। और यहाँ ये भी रिकॉर्ड हुआ है कि जब ये आदमी इस रेस्टोरेंट में अपने लिए खाना बना रहा था तो उसने सभी चीजें वापस से अपनी जगह पर रख दी बिना कुछ भी गंदगी फैलाए, और जब उसका पूरा खाना हो गया तो उसने काउंटर तोड़कर उसमें से $100 निकाले और वहाँ से रफू चक्कर हो गया। पैंट्स ऑन द फेंस।
अगर आप लोगों ने पुलिस को किसी क्रिमिनल को कभी पकड़ते हुए देखा होगा तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि वो लोग किस तरह से उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, और ये नज़ारा काफी ज्यादा शानदार होता है जहां मुजरिम को उसके कर्मों की सजा पाते हुए देखते हैं। लेकिन इस वीडियो में जो हुआ वो वाकई एंटरटेनमेंट का डबल डोज था, क्योंकि यहां पर एक क्रिमिनल को जब पुलिस ने पकड़ लिया तो उन्होंने उसे बैरियर के इस पार आने के लिए कहा और वो मान तो गया, लेकिन जैसे ही वो उतर कर आ रहा था उसकी पैंट फंस गई और इतनी बुरी तरह फंसी कि आप खुद ही देख सकते हैं कि ये जनाब खुद से निकल ही नहीं पा रहे थे। हालांकि इन्होंने कोशिश तो बहुत की पर ऐसा हो नहीं पाया, जिसके बाद इन दोनों पुलिस ऑफिसर में से एक ने इस पर दया खाकर इसे निकालने की कोशिश की, जिसमें इस क्रिमिनल की पैंट कितनी बुरी तरीके से फटी आप खुद ही देख सकते हैं। हॉर्स अटैक्स एलिगेटर। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एलिगेटर काफी ज्यादा खतरनाक जानवर हैं, जहां इनके जबड़े इतने ज्यादा मजबूत होते हैं कि अगर ये किसी चीज को अपने चंगुल में फंसा लें तो उसका बच पाना बहुत मुश्किल होता है, और इसी वजह से इंसान तो क्या जानवर भी इनसे डरते हैं। लेकिन अब आप जो देखने वाले हैं उसे शायद ये सोच बदल जाए, जहां पर एक घोड़े ने ही एलिगेटर पर हमला कर दिया। जी हां दोस्तों, ये वीडियो फ्लोरिडा के स्टेट पार्क से रिकॉर्ड की गई है, जहां पर कुछ दोस्तों के ग्रुप ने जब ये देखा कि कई सारे घोड़े एक साथ खड़े थे, लेकिन उनमें से एक ने इस एलिगेटर को देखा और उस पर हमला करना शुरू कर दिया। तब एलिगेटर भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है, फिर उसने भी पलटवार में हमला किया, जिसकी वजह से उसने घोड़े के पैर को अपने मुंह में भर लिया। लेकिन घोड़े ने भी हार नहीं मानी और आगे हमला करना शुरू कर दिया, पर थोड़ी देर बाद इन दोनों ने एक दूसरे को जाने दिया। एक्सप्लोडिंग लैपटॉप। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज दोनों ही काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, इसलिए इनसे ज्यादा छेड़छाड़ करना काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, पर फिर भी हर रोज कई सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज ब्लास्ट होते हैं। हालांकि कभी भी ये चीजें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन कभी कभी इनकी वजह से भारी नुकसान हो जाता है। पर यहां कुछ अलग ही हुआ, क्योंकि दो टीनेजर जब सोफे पर बैठे हुए थे तभी उनका लैपटॉप अपने आप ही ब्लास्ट करने लगा, जिसमें से आग भी निकल रही थी। हालांकि शुरू में तो उन्होंने उस आग को बुझाने की काफी कोशिश करी, लेकिन तुरंत अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस लैपटॉप को सोफे से उठाकर टेबल पर रख दिया, ताकि अगर कोई बड़ा ब्लास्ट हो तो ज्यादा नुकसान ना हो। हालांकि उससे ज्यादा दूर अगर ये लोग जाते तो इनका भी नुकसान हो सकता था, इसलिए इनका लैपटॉप तो चला गया, लेकिन इनकी इसी समझदारी की वजह से इन्हें टीवी पर आने का मौका जरूर मिल गया। डेंजरस टावर। दोस्तों, आप लोगों ने बिल्डिंग बनते हुए तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन क्या कभी किसी बिल्डिंग को टूटते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप पूरी तरह से दंग रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 140 मीटर के तीन बड़े बड़े टावर मौजूद हैं, पर इन टावरों की वजह से चार लोग मर गए, जिसकी वजह से यहाँ की लोकल अथॉरिटी ने इन्हें तोड़वाने का फैसला किया। अब जाहिर सी बात है कि इस तरह की चीजों को पूरी तरह से तबाह करने में ज्यादा समय नहीं लगता, और ये नजारा भी काफी ज्यादा दिल दहलाने वाला होता है, और इसी वजह से इस इंसिडेंट को देखने के लिए इतनी भारी मात्रा में लोग यहाँ इकट्ठा हो गए, मानो उन्हें कुछ मिलने वाला है। अब खैर कुछ भी हो, इंसान तो वैसे भी अलग अलग चीजों को देखने के लिए पागल रहता है, और यही वजह होगी कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं जिन्होंने न सिर्फ इसे खुद देखा बल्कि अपने कैमरे में भी इस शानदार नजारे को रिकॉर्ड कर लिया। दोस्तों, ये बात यही नहीं थमी, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद भी बहुत सी चीजें हुई, पर उनमें से सबसे ज्यादा नुकसान वाली चीज और कोई नहीं बल्कि इस बिल्डिंग के गिरने की वजह से पास का पावर सिस्टम ब्लास्ट होना था, जिसकी वजह से कई सारे घरों की लाइट काफी समय तक नहीं आई और तीन लोग भी बुरी तरह से इंजर्ड हो गए। गुड डेट्स। अब हमारी आखिरी वीडियो आपके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान ला देगी, क्योंकि फ्लोरिडा में कुछ लोकल लोगों ने अपने आसपास से आने वाले शोर की कंप्लेन की, जहां पर ये कंप्लेन रोड पर बास्केटबॉल खेलने वाले बच्चों के खिलाफ थी। हालांकि इस चीज की जांच करने जब पुलिस ऑफिसर वहां पर पहुंचे तो उन्हें देख बास्केटबॉल खेल रहे बच्चे पूरी तरह से डर गए। हालांकि थोड़ी देर बाद इस पुलिस ऑफिसर ने उनसे तुरंत बॉल मांगी और खुद भी बास्केटबॉल खेलने लगे, जिसे देख हर कोई हैरान हो गया कि भला ये पुलिस ऑफिसर बास्केटबॉल कैसे खेल रहे हैं। लेकिन बाद में इस पुलिस ऑफिसर ने ये बताया कि उन्हें नहीं लगता कि बास्केटबॉल खेलने में कोई दिक्कत है, और हमें न ही अपने यंग जनरेशन वाले बच्चों को इसे खेलने से रोकना चाहिए।
दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी आज की इस वीडियो में काफी मजा आया होगा, जहां आपने कुछ ऐसी चीजें देखी जिनके होने की एक्सपेक्टेशन हमें कभी थी ही नहीं। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।